देश के प्रधानमंत्री आ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने का काम किया, जो उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई, उन जनकल्याणकारी योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो हमारे समाज के लोगों को मिला है। जो केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम जनता के लिए ले जाएंगे, काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ में मेरे जैसे हजार कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रपति का और हमारे प्रदेश के आदरणीय सीपी जोशी जी का और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब का। आप लोगों के विश्वास पर उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। मैंने भी आप लोगों के विश्वास पर उनसे वादा किया कि राजस्थान के अंदर हम ऐसा इतिहास लिखने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के मोर्चे के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती से खड़े आपको मिलेंगे, बोले हम बूथ जीतेंगे तो राजस्थान के अंदर हम प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान की हमारी सरकार भी बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठे हैं जी बताएं किस प्रकार का आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अमित खान जी ने आह्वान किया और राष्ट्र लेवल पर जेपी नड्डा जी ने राजस्थान का ऐलान किया, नहीं सहेगा राजस्थान। नहीं सहने का मतलब इस तरीके से महिलाओं पर प्रथा जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार, स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों के केंद्र देती है लेकिन राजस्थान सरकार नहीं। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम मोर्चा ने समस्तरी है, इसके अब आने वाला 2023 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंतिम मोर्चे के लोगों ने आह्वान किया है 180 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री जिन्होंने जयपुर में बैठकर सिर्फ लाल बैली बनाने का काम किया है, वो लाल बैली कि राजस्थान का मुख्यमंत्री देखने में जो भरूपिया जादू का होता है अपने आप को, इसका काला जादू पहली बार विधानसभा में किसी ने तोड़ने का काम किया तो इसी के मंत्री ने तोड़ने का काम किया। उसको मैं सलाम करता हूँ मंत्री को कि उन्होंने इसकी सच्चाई जनता के सामने रखने का काम किया, जो लाल डायरी है उस लाल डायरी के अंदर इसके बेटे की सारी कंप्यूटर छुपी हुई है, इसके बेटे ने जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार में आपके उदयपुर का भी एक मामला है, आपके उदयपुर में भी जमीन का मामला है। जब हमारे सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने बताया था क्योंकि इसके बेटे ने राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया है, अपने बेटे की मोहमाया में राजस्थान का मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये हमारी आगाज है मेवाड़ की दृष्टि से, क्योंकि मैं वहां से आता हूं जहां हमारे राजा असल खान मेवाती ने इस मेवाड़ के समूह राणा साला का साथ दिया था। हम उस बहादुर को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की। Bye, 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 bye